ये कहानी है 1970 के दशक की, जहां लोगों ने भूत प्रेत आत्माओं को काफी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन शायद भूत प्रेत आत्माओं ने लोगों का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। जापान में एक ऐसी स्टोरी आज भी प्रचलित है, जिसे सुनाकर लोग अपने बच्चों को डराते हैं, और उन्हें ये अच्छे से पता है कि ये कोई कहानी या किस्सा नहीं, बल्कि जापान की हकीकत है। ये कहानी अर्बन लेजेंड में से एक लेजेंड की है, जिसे हम कुचिसा के ओना के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी एक ऐसे बेस्ट पर आधारित है जो सच्ची घटनाओं में से एक है, जो आज मैं आपको सुनाता हूँ। आपने जापान की गलियों में अक्सर चहल पहल तो देखी होगी, लेकिन 1970 के एक दशक के बाद जापान की गलियों में कुत्ते बिल्ली तक नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि कुचिसा के ओना का इतना खौफ था कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे और अपने बच्चों को घर के अंदर ही कैद रखा करते थे। ये कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ से कुचिसा के ओना रास्ते में चलते हुए बच्चों को पकड़कर उनका फेस यहाँ से यहाँ तक काट दिया करती थी। कुचिसा के ओना अपने साथ एक बड़ी सी सीजर लेकर चला करती थी, जिससे वो बच्चों के फेस पर अपने फेस जैसा ही निशान बना दिया करती थी। ये कहानी आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम विस्तार से बताएंगे कि क्यों कुचिसा के ओना ऐसी बन गई और किस तरह के दर्द उसे अपनी ज़िंदगी में झेलने पड़े। उससे पहले, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर बढ़ेंगे इस खौफनाक कहानी की ओर, जिसे सुनकर आज आप भी दहल जाएंगे और मान लेंगे कि ये आत्माएं हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं इस धरती पर आज भी। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। आपको ये किस्से कहानियाँ अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बता सकते हैं, या फिर प्यार करने का एक ये भी तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं कुचिसा के ओना के बारे में थोड़ा और। जापान की ये अर्बन लेजेंड, इसका खौफ इतना ज्यादा है के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। जहां जापान की गलियों में चहल पहल हर जगह दिखाई देती है, वहां 1970 के दशक के बाद एक नाम इस तरह से फैला, एक अर्बन लेजेंड इस तरह से सामने आया कि लोग इतने ज़्यादा घबरा गए कि अपने घर से बाहर निकलना तक लोगों ने बंद कर दिया था। कुचिसा के ओना ज़्यादातर अपने से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। स्कूल से आते जाते बच्चों को, दुकान पे आते जाते बच्चों को, या फिर मैदान में खेलते हुए बच्चों को कुचिसा के ओना पकड़ती थी और पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर बच्चा हाँ में जवाब दे देता था तो बच्चे को उसी समय कुचिसा के ओना अपने हाथ मिली सीजर से काटने लगती थी, और बच्चा ना कर देता था तब भी कुचिसा के ओना उसे अपनी सीजर से काटने लगती थी। अगर बच्चा कुचिसा के ओना को कहता था कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तो अपने फेस पर लगाया हुआ मास्क कुचिसा के ओना रिमूव करती थी, हटाती थी, और फिर उस बच्चे से पूछती थी, क्या अभी भी मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ? कुचिसा के ओना की इतनी भयानक शक्ल देखकर बच्चे डर जाते थे, जोरों से चिल्लाने लगते थे। उसी समय कुचिसा के ओना बच्चों का फेस अपने फेस जैसा ही बना देती थी। बच्चों का ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से बच्चे वहीं पर अपना दम तोड़ देते थे। कुचिसा के ओना की ये वारदातें देखते हुए जापान की गलियां सूनी पड़ गई थी। जापान की सरकार ने भी एक फैसला ले लिया था कि जो भी कोई है
इस आत्मा को या फिर इस इंसान को, इस लेडीज़ को पकड़ेगा उसे हम एक बहुत बड़ा इनाम देंगे, क्योंकि जापान अब परेशान आ चुका था इस वारदात से। लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि ये कोई औरत नहीं, कोई एक किलर नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी, एक ऐसी रूह थी जो सताई हुई थी। कुचिसा केओना की जिंदगी की पहली दास्तान यह है कि कुचिसा केओना अपने फेस को इस तरह से खोने से पहले एक बेहद सुंदर लड़की हुआ करती थी। कुचिसा केओना की भी और लड़कियों की तरह ही शादी हुई थी, और कुचिसा केओना का पति एक समुराई था। कुचिसा केओना अपने पति से बेहद प्रेम किया करती थी, लेकिन कुचिसा केओना का पति उससे भी ज़्यादा उसे प्रेम किया करता था, क्योंकि कुचिसा केओना इतनी सुंदर थी कि कोई भी अगर उसे देख ले तो कुचिसा केओना की तरफ मोहित होता हुआ चला जाए, उसकी यादों में खो जाए। कुचिसा केओना का पति एक समय पर बाहर युद्ध लड़ने के लिए चला गया, क्योंकि समुराई होने के साथ साथ उसे बाहर कई लड़ाइयों में भी हिस्सा लेना होता था। कुचिसा केओना के पति के जाने के बाद काफ़ी महीने बीत गए, वो वापस नहीं लौटे। इसी बीच कुचिसा केओना ने अपने उसी घर के अंदर किसी और आदमी से संबंध बनाना शुरू कर दिया था। कुचिसा केओना का पति अब कुछ महीनों बाद वापस लौट कर आता है और कुचिसा केओना के कमरे की तरफ जाता है। वो कुचिसा केओना को सरप्राइज देना चाहता था, अचानक से आना चाहता था, लेकिन जब वो कमरे तक पहुंचता है तो वो देखता है कि कुचिसा केओना किसी और गैर मर्द के साथ अपना संबंध बना रही है। कुचिसा केओना का पति उसी टाइम अपनी तलवार उठाता है और उसका फेस यहाँ से काट देता है। कुचिसा केओना का काफ़ी ब्लड निकलता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है, जिसकी वजह से कुचिसा केओना वहीं दम तोड़ देती है। और कुचिसा केओना के दम तोड़ने के बाद कुछ महीनों से ही ये वारदातें शुरू हो जाती है। समुराई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था जो लोगों को बता सके कि ये क्या है। कुचिसा केओना इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जापान की हर गलियों में घूमा करती थी, हर चौराहे पर खड़ी दिखा करती थी। कुचिसा केओना इतनी दुखी थी कि वो अब हर किसी को अपने जैसा ही बना देना चाहती थी, क्योंकि कुचिसा केओना को कोई भी इस हालत में देखता था तो उस पर हंसने लगता था, कमेंट पास करने लगता था। कुचिसा केओना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से उसने ये सोच लिया था कि अब जापान की हर गलियों में मेरे जैसे फेस वाले ही लोग रहेंगे और रह ही सकते हैं, जिस वजह से कुचिसा केओना बच्चों के साथ ये हरकतें करना शुरू कर देती है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को कुचिसा केओना अपने जैसा बना देना चाहती थी। दोस्तों, आपको ये अर्बन लेजेंड की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको ये स्टोरीज पसंद है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप यस लग कर बता सकते हैं। आपके पास कोई स्टोरी है तो वो आप हमें भेज सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा। अगले हफ्ता हमारी नेक्स्ट स्टोरी आपके मुताबिक बन रही हो। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।